गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। कहने का मतलब ये है कि अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या उनका रोल रहता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होता क्या है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो अलग अलग साइट्स पर अपने फराइज को अंजाम देते हैं उनको अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। उनके पास आर्म्स नहीं होते हैं, वेपन्स नहीं होते हैं, बिना वेपन्स के होने के बावजूद भी वो अपने रोल को बखूबी अंजाम देते हैं, उनको बोलते हैं अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स। लेट्स हैव अ लुक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। सबसे पहला है ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग। जिस साइट पर वो काम करते हैं, जिस साइट पर अपने फराइज को अंजाम देते हैं, उस साइट को वो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी नोटबुक बना के उसको अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। उस साइट के प्रॉपर्टी, उस साइट का लोकेशन, उस साइट का मैनेजमेंट स्टाफ उसके साथ पूरे कम्युनिकेशन में होते हैं अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स। दूसरा है प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग। प्रिवेंटिंग का सीधा सा मतलब है बचाव करना। वो अपने प्रेमिसेस को बचाव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई अनहोनी घटना ना हो। जब भी उस प्रेमिसेस के अंदर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसकी सीधी सी वो रिपोर्ट अपने से आला अधिकारियों को देते हैं। जो तीसरा इसका है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का जो मतलब है, लफ्जी मतलब इसका जो है वर्ड्स का, वो है गश्त लगाना। आमतौर पर देखा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें हमारे इन्फेंट्री के जवान होते हैं, वो अपने इलाके में रह करके दुश्मन के इलाके में जाकर के खुफिया जानकारियां लाते हैं, गश्त करते हैं, अपनी जो खबर होती है दुश्मन को लेने से बचाते हैं। उनका रोल थोड़ा ज्यादा बनता है बनस्पत अनआर्म्ड के। वो भी अपने इलाके में जाकर के, अपने प्रमिसेस में, अपने साइट्स में जाकर के वो गश्त करते हैं। बड़ी वाइज होते हैं, दो चार भी हो सकते हैं, वो किसी व्हीकल में भी जा सकते हैं अपने साइट को, अगर साइट ज्यादा लंबा है। उसकी पूरी जानकारी वो रखते हैं, नोटबुक में उसका नोट करते हैं, अपने सीनियर मतदार तक पहुंचा देते हैं। उस इलाके में जो जितने भी क्राइम होते हैं वो क्राइम मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। तीसरा है एक्सेस, AEEES, एक्सेस मैनेजमेंट। किसी भी साइट में एम्प्लॉइज का आना, आम पब्लिक का आना आम सी बात है। आम पब्लिक के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। जो एक्सेस होते हैं इलाके में, गाड़ियां होती हैं, आम जनता होती है, एम्प्लॉइज होते हैं, फैक्ट्री या कंपनी के मैनेजर होते हैं, उनका प्रॉपर वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उस साइट के अंदर उसको छोड़ देते हैं। साथ में उनका जो है पुलिस के साथ भी बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होता है पुलिस। पुलिस देखा गया हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी काम के लिए, आम जनता के लिए। तो जो अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके फोन नंबर जो होते हैं पुलिस के अधिकारियों के, उनके पास रहते हैं।
अगर कोई भी क्राइम होता है अपने इलाके में उस साइड पे, तो उसकी तुरंत वो पुलिस को रिपोर्ट भी करते हैं, साथ में अपने सिर्फ सीनियर जो होते हैं थ्रू प्रोफेशनल उसको भी वो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो उनका बड़ा अहम रोल बनता है उस साइड में, उस प्रोमिसज में, उस एरिया में, वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ की सिक्योरिटी का वो खास ख्याल रखते हैं। जो गाड़ियों की एक्सेस होती है उसके लिए वो अलग से रास्ते बनाते हैं, मेन गेट में जो एंट्री कैसे करते हैं, स्टाफ के लिए अलग से बनाते हैं, आम पब्लिक के लिए अलग से वो रास्ते तय करके रखते हैं, वहां पर बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं आती है। पूरा मैनेजमेंट करते हैं वो ट्रैफिक का, एक्सेस का। उसके अलावा कोई एंटी सोशल एलिमेंट आकर के उस साइड में कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी रिपोर्ट भी वो अपने अधिकारी को देते हैं, अपने से सीनियर को, तुरंत उसके बारे में वो खबर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोल्स होते हैं अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स के। फर्ज कीजिए एटीएम में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास भी कोई वेपन नहीं होता है, कोई आर्म्स नहीं होते हैं, तो उसी तरह से वो उस एटीएम की सुरक्षा, वहां पर लोगों का आना एक्सेस हो उसको कंट्रोल करता है, वन बाय वन करके उस एटीएम के अंदर वो छोड़ता है, पूरा मैनेजमेंट करता है। सेम इसी तरह से अनआर्म्ड जो है सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं किसी साइट्स के अंदर, उसका भी इतना ही बड़ा रोल होता है जैसे एक एटीएम में जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता है। एटीएम में एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है, किसी साइट में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो अपनी ड्यूटी को सही अंजाम देते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करेंगे आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स की। आज हम अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रहे थे। जितने भी मैंने चीजें बताई हैं इसके अलावा भी इनका बहुत सारा रोल होता है, अगले टॉपिक की हम बात करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखना। थैंक यू।